हरे कृष्णा, मुझसे एक लड़की ने सवाल पूछा। आप हमेशा भगवद गीता पढ़ती रहती हो, हमें भगवद गीता का प्रवचन देती रहती हो, हमें भगवान के बारे में बताती रहती हो, क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आपने कभी भगवान को महसूस किया? तो मैंने उसको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा, क्या आप सांस लेती हो? तो उसने कहा हाँ। क्या आपने सांस को महसूस किया है? उसने कहा महसूस किया। मैंने पूछा क्या आपने उसे देखा है? उसने कहा नहीं। फिर मैंने एक सवाल पूछा, उस श्वास में जो हवा है जो आप अंदर ले रही हो उसमें ऑक्सीजन है, क्या आपको पता है? उसने कहा नहीं। फिर आप सांस कैसे लेती हो? मैंने पूछा, तो उसने मुझे जवाब दिया हवा के ज़रिए। तो मैंने कहा उसी तरह जिस तरह से आप श्वास अंदर लेती हो और आपको पता नहीं कि वो आप किस प्रकार ले रही हो, और उस सांस के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आपके लिए जितना ज़रूरी है उसी तरह भगवान भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने उससे एक और सवाल पूछा, क्या आपने पानी पिया है? क्या आप पानी का स्वाद जानती हो? क्या वो खट्टा है, मीठा है या किसी और तरह का स्वाद है उसमें? उसने कहा मुझे कभी समझ में नहीं आया कि वो स्वाद किस प्रकार का है, पर मैंने पानी पिया है। मैंने फिर से उससे एक सवाल पूछा, क्या पानी इतनी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए? उसने कहा हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर पानी हमें नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा और उन्होंने मुझसे पूछा, इस सवाल और जवाब में उसको पूरा आंसर मिल चुका था। जानते हैं कैसे? जिस तरह से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए इतना ज़रूरी होता है कि हम उसके बिना मर जाएंगे, उसी तरह ज़िंदगी में जीने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी को अपनी ज़िंदगी में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भगवान की भक्ति और पूजा भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितना कि पानी और श्वास हमारे लिए ज़रूरी होती है। हमें पता है कि हम उसे महसूस नहीं कर सकते, हमने कभी उसे नहीं देखा है। महसूस वही इंसान कर सकते हैं जो उसका पूरी तरह से अनुभूति कर सके, उसे पूरी तरह से समझ सके। लोग कहते हैं कि अभी हमारी इतनी उम्र नहीं है कि हम पूजा पाठ करें, हम भगवान का नाम लें, पर क्या आपने कभी सोचा है क्या पूजा पाठ करने के लिए उम्र की आवश्यकता है? क्या हमें बहुत ज़्यादा बूढ़े होने पर पूजा करना चाहिए और जवानी में सिर्फ एंजॉय करना चाहिए? जी नहीं। एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है, आपने सुना होगा हमेशा से, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसका अर्थ क्या है कि अगर हम सुखी हों और उस वक्त हम भगवान को याद करने लगें तो हमारे जीवन में दुख ही क्यों आएगी? हम हमेशा अपने दुख में भगवान को याद करते हैं और जब हम सुखी होते हैं भगवान को भूल जाते हैं। तो हमें हमारे जीवन में एक नियम बना लेना चाहिए कि हम भगवान को याद करते हुए भी अपने नॉर्मल ज़िंदगी को जीने लगें। हमारे अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी है, जो अच्छाई है, वही भगवान होती है, और हमारे अंदर की जो बुराई है, हमारे अंदर की जो कमियां हैं, वही राक्षस प्रवृत्ति में तब्दील होती है। अगर हम अपने अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा को उजागर करें तो हमारे अंदर सारी अच्छाई और सारी खूबियाँ अपने आप आने लगेगी। इसके लिए हमें नित्य पूजा और ध्यान करना चाहिए। जब भी हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की बातें करते हैं, हमारे आसपास की चीज़ें पवित्र हो जाती हैं और हम अपने आप को सुख और समृद्धि प्राप्त करते हुए देखते हैं और हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होता है। इसलिए हमें नित्य भगवान की पूजा और भक्ति में लीन रहना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे काम को छोड़ दें,
अपने सारे कार्यों को करते हुए भी आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं, और भगवान का ध्यान करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा।